संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक और एफडीआई की गूंज थी तो दूसरी ओर आरक्षण की आवाज सब पर भारी थी। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों सदनों में जोरदार नारेबाजी होने लगी। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पहले लोकसभा को 11:30 बजे तक और फिर उसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तो वहीं राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे के बाद जैसे ही कार्रवाई बहाल हुई तो फिर वही नजारा सामने था। दोनों सदनों में हंगामा और केवल हंगामा। मजबूरन लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं राज्यसभा में हंगामे के बीच लोकपाल पर बनी सिलेक्ट कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कर दी। बावजूद इसके हंगामा नहीं थमा, लिहाजा राज्यसभा को भी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर 2:30 बजे के बाद राज्यसभा को 26 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 12।